हेलो हाय, वेलकम बैक टू फिनेंशियल कैपिटल। हैव यू एवर वंडर बिफोर बाइंग एनी स्टॉक कि इसी स्टॉक का रिटर्न कितना आएगा, ये स्टॉक खरीदने के बाद मैं इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि फ्यूचर में कितना बढ़ेगा, और अगर इसी स्टॉक को मैं अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ तो ये मेरे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट करेगा, कितना वेटेज लगाएगा, कितना इसका अपसाइड वो एक्सपेक्टेड है वो है, या कितना ये डाउन साइड मेरे पोर्टफोलियो ले जा सकता है, या इसको होल्ड करने का मेरा उसका क्या करेंगे, मेरे पोर्टफोलियो पे क्या कॉस्ट आएगी। ये सारे सवाल हर इन्वेस्टर के दिल में आता है कि जब भी वो कोई इक्विटी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो ये सारे सवाल उसके दिमाग में एक बार ज़रूर आते हैं, तो इसका पता कैसे लगाया जाए। सो वी फाइंड द आंसर ऑफ दिस ऑल क्वेश्चंस थ्रू द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिम से हम कैलकुलेट करके ये पता लगाते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। थ्रू कैपिम वी गेट द सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। चलिए आज हम इस वीडियो में इसी चीज को सीखते हैं। मेरा नाम जैद है। सो विदाउट अ डिले लेट्स गेट टू द टॉपिक। सो लेट अंडरस्टैंड द डिफिनेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की डेफिनेशन क्या होती है, चलिए एक बार देख लेते हैं। द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टमेटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट्स पर्टिकुलरली द स्टॉक्स। कैपएम इज वाइडली यूज थ्रू आउट द फाइनेंस फॉर प्राइसिंग रिस्क सिक्योरिटी एंड जनरेटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द सिक्योरिटी गिवेन द रिस्क ऑफ दोज एसेट एंड द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। इसमें ये कहा गया है कि कैपम जो होता है वो किसी सिक्योरिटी का, किसी स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा वो हमें बताता है, और उस एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ कितना हमारा सिस्टमेटिक रिस्क जो है एसोसिएट है। तो कैपम यही रिस्क और स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों कैलकुलेट करके हमें बताता है, हमें एक सेंस देता है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द पर्टिकुलर सिक्योरिटी। चलिए अब देखते हैं कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मूला इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ द स्टॉक मल्टीप्लाई बाय द ब्रैकेट में एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। अब जो इसके कंपोनेंट होते हैं रिस्क फ्री रिटर्न, ये रिस्क फ्री रिटर्न अलग से कैलकुलेट किया है, लेकिन वाइडली जो ग्लोबली यूज होता है रिस्क फ्री रिटर्न को, हम ट्रेजरी गवर्नमेंट के 10 ईयर्स बॉन्ड का जो रिटर्न होता है हम उसको सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, तो उसी को यूजली लोग कंसीडर करते हैं रिस्क फ्री रिटर्न के लिए। तो किसी भी गवर्नमेंट के 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड का जो रिटर्न होता है वो हमारा रिस्क फ्री रिटर्न होता है। अभी हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। और बीटा, बीटा को भी अलग से कैलकुलेट करते हैं, अगर आप चाहिए तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बीटा हमें फाइनेंस की वेबसाइट से मिल जाता है, किसी भी स्टॉक का बीटा क्या होता है उसका फाइनेंस वेबसाइट से हमें मिल जाता है, अभी हम उसको भी देखेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मार्केट का रिटर्न होता है, सपोज करो निफ्टी या सेंसेक्स का जो बेंचमार्क रिटर्न होता है, या वो पर्टिकुलर स्टॉक किस किस सेक्टर से बिलोंग करती है, मिड कैप या लोअर कैप, उसका जो बेंचमार्क रिटर्न होता है उसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं। तो इसको मान के इस फॉर्मूले पे रख के हम किसी कैपएम निकालते हैं, किसी भी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो चलिए लाइव देखते हैं कि कहां से हमें रिस्क फ्री रिटर्न पता चलेगा और बेटा पता चलेगा। रूटर इंडिया, हम रूटर इंडिया पे जाते हैं। अब यहां पे बॉन्ड वाले सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। ये रहा इंडिया 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड रिटर्न, आज कितना है 5.917। हम इसको कॉपी कर लेते हैं 5.917। ये इंडिया का 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड है, ये हमारा रिस्क फ्री रिटर्न है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो ये हमारा बेंचमार्क इन्वेस्टमेंट है, इसके अबव जो इन्वेस्टमेंट आता है उसे हम अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं, इससे नीचे अगर कोई इक्विटी शेयर वो रिटर्न देती है तो वो
इक्विटी शेयर का पुअर रिटर्न माना जाता है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन दो सिक्योरिटी हम कैन गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड में हमारे पैसे सेफ भी रहेंगे और 5.9 का हमें रिटर्न भी आएगा. तो दिस इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कंसिडर्ड इन द मार्केट. तो ये हमने कैलकुलेट देख लिया, आपने कॉपी कर लिया अपना रिस्क फ्री रिटर्न. अब अगला कंपोनेंट हमारा क्या है? बीटा. चलिए देखते हैं हमें बीटा कहाँ से मिलेगा. बीटा को अलग से कैलकुलेट करते हैं. अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज ड्रॉप द कमेंट, हम इस पे एक और अलग से वीडियोस बना देंगे डिटेल में. वैसे बीटा हमें फाइनेंशियल वेबसाइट से मिल जाता है, तो किसी कंपनीज का बीटा जानने के लिए चलते हैं हम आज देखेंगे याहू फिनांस पे. चलिए रिलायंस का बीटा जानते हैं. उसके लिए गूगल ओपन कर लेते हैं. आ जाते हैं हम याहू फिनांस पे. याहू फिनांस पे आने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री लिखते हैं. जिस भी कंपनी का आपको बीटा जानना है उसका नाम यहाँ पे सर्च बार में एंटर कीजिए. यहाँ पे ये सर्च बार में उस कंपनीज का नाम एंटर कीजिए. उसके बाद यहाँ पे ये कंपनी का नेम हो गया रिलायंस इंडस्ट्री का, हम देख रहे हैं, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री का नेम यहाँ पे चेक कर लीजिए. उसके बाद हमारा जो, तो ये हो गया हमारा बेटा 5 ईयर्स. चलिए रिलायंस का बेटा 1.06% है, 1.06 है, इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ परसेंट, इट्स 1.06%. ओके, ये हमारा बेटा हो गया. बीटा इज नथिंग जस्ट टू फाइंड द कोरिलेशन ऑफ द स्टॉक्स एंड द मार्केट. सपोज कि निफ्टी का, और क्या कहते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टॉक का बीटा 1 है. दोनों 1 का मतलब होता है 1 द इंडिकेशन फॉर द कंप्लीटली कोरिलेटेड. अगर मार्केट 1% अप होगी तो स्टॉक भी 1% अप होगा, अगर मार्केट 1% डाउन होगी तो स्टॉक भी 1% डाउन होगा. अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 पॉइंट समथिंग है तो मार्केट अगर 1 पॉइंट डाउन अप होगी तो स्टॉक भी 1 पॉइंट जितना उसका बीटा होगा उतना अप करेगी. अगर डाउन होगा तो, बीटा अगर डाउन होगा तो अगर मार्केट जो है जितना डाउन होगी बीटा उसके कोरिलेटेड उतने ज्यादा या कम परसेंट से डाउन होगा. सो बीटा इज नथिंग जस्ट टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द मार्केट एंड सिक्योरिटी एंड टू अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएशन विद दैट. तीनों कंपोनेंट हो गए हैं, रिस्क फ्री रिटर्न, ये रिस्क फ्री रिटर्न हमारे पास हो गया है, बीटा हमारे पास हो गया है. अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हम देख लिए हैं, कैलकुलेट हो गया हमारा यहाँ पे, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया है. तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैपएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं. तो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम इक्वल टू साइन लगा लेते हैं. फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न. रिस्क फ्री रिटर्न हमारा कितना है? 5.9%, इसको ले लिए. अब उसके बाद प्लस, फिर हम प्लस कर लेते हैं. अगला क्या है? बीटा. हमारा बीटा कितना है? 1.06%, इसको हम ले लेते हैं. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई. अब ब्रैकेट में ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा कितना है? 12% हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न रखा है. माइनस हमारा रिस्क फ्री रिटर्न कितना है? ये हमारा रिस्क फ्री रिटर्न हो गया. ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं. अब देखते हैं कि रिलायंस का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होता है. तो ये आ गया 12.4, जो है रिलायंस का एक्सपेक्टेड रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये इसका कैपेम आ गया रिलायंस का, या कॉस्ट ऑफ इक्विटीज भी इसको कह सकते हैं, कि इतना रिटर्न हम एक्सपेक्ट रिलायंस से कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उनको ये पता चलता है कि इस इक्विटी से हम कितना है रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी ये समझ जाती है कि मिनिमम कितना हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो
इक्विटी पे रिटर्न कंसिडर करते हैं, तो किस हिसाब से मैं अपना परफॉर्मेंस रखना चाहिए दैट वी कैन मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर शेयर होल्डर्स। सो कैपएम का यूज़ कॉर्पोरेट फिनांस में, इक्विटी एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको अगर आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ राइट द कमेंट, हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। और इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी कमेंट, एनी थिंग यू वॉन्ट टू से अबाउट दिस वीडियो, प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।